हेलो ब्यूटीफुल बटरफ्लाइज, कैसे हो आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, बहुत खुश होंगे। आई एम रियली सॉरी कि मैं ये जनवरी मंथ में कोई लॉन्ग वीडियो नहीं ला पाई। उसका रीज़न भी है, मैं बताऊंगी आप लोगों को कि क्या रीज़न है। डेफिनेटली कुछ ही दिनों में मैं बता दूंगी। एंड पहले ही मैं सॉरी बोलती हूँ कि मैंने लॉन्ग वीडियो नहीं ला पाई, आई एम रियली सॉरी। ओके, तो आज का जो टॉपिक है वो है जो ये वैलेंटाइन वीक आने वाला है, आ चुका है। ओके, जो वैलेंटाइन वीक आ चुका है उसके लिए हम लोग ये जो कमिंग 7 डेज है, 7 तारीख से 14 तारीख तक, आप लोगों के लिए क्या मैसेजेस है आपके पार्टनर की तरफ से, वो हम लोग देखेंगे। ये वैलेंटाइन वीक आप लोगों के लिए कैसा जाने वाला है वो भी हम लोग देखेंगे। सो एक्चुअली वीडियो के थंबनेल देख के आपको पता चल ही चुका कि मतलब चल चुका है कि आप लोग ये वीडियो किस टॉपिक के ऊपर है। तो यहाँ पे आप लोग ऑब्वियसली कोई ऑप्शन तो नहीं देख पा रहे हो पीका कार्ड रीडिंग के लिए, क्योंकि मैं शफल करके ही ये ऑप्शंस लेने वाली हूँ। ओ माय गॉड, कार्ड्स आर वेरी एक्साइटेड, सच बता रही हूँ, कार्ड्स बहुत एक्साइटेड है आप लोगों के पास मैसेजेस लाने के लिए। ओके, तो हमारे प्यारे से गणेश जी का नाम लेके हम लोग ये रीडिंग स्टार्ट करते हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू। तो चलिए देख लेते हैं क्या ऑप्शंस आते हैं आप लोगों के लिए पीका कार्ड के। थैंक यू सो मच, मैं आप लोगों के सामने ही ऑप्शंस रखूंगी एंड देखना चाहूंगी। थैंक यू सो मच एंड हियर वी गो। थैंक यू सो मच। ये एक पीका कार्ड रीडिंग है ऑब्वियसली, एंड मैं अपने फॉलोअर्स को, सब्सक्राइबर्स को थैंक यू कहना चाहती हूँ कि आप लोगों की वजह से मुझे बहुत सारा प्यार मिला है, बहुत सारी ब्लेसिंग्स मिली है। आप लोगों की ब्लेसिंग्स की वजह से मुझे बहुत लाइफ में बहुत कामयाबी मिली है। थैंक यू सो मच। एंड आप लोग इस चैनल को इतना प्यार देते हो ना, थैंक यू सो मच, थैंक यू। तो यहाँ पे मैंने 3 ऑप्शंस रखे हैं, ठीक है। स्पेशली ये एक लव रीडिंग है तो, एंड ये 3 ऑप्शंस आपके पास है तो आप कोई भी ऑप्शन चूज कर सकते हैं, ठीक है। ऑप्शन आप देखिए कौन सा ऑप्शन आपके साथ कनेक्ट हो रहा है, कौन सा कार्ड आपको ज़्यादा खींच रहा है। अपना इंट्यूशन का इस्तेमाल करें। थैंक यू। मैं तब तक सब्सक्राइबर्स आप सबको मैं अपना ग्रैटिट्यूड शो करती हूँ, इस चैनल को इतना प्यार दिया आप लोगों ने, थैंक यू सो मच, थैंक यू। ये 3 ऑप्शन आपके पास है, आप ये वीडियो अभी यहाँ पॉज भी कर सकते हैं अगर आपको चूज करने में तकलीफ हो रही है या आप कंफ्यूज हो रहे हो। एंड अगर आप पूरा रीडिंग देखना चाहते हो एज ए गाइडेंस तो आप देख सकते हो, आपका फ्री विल है, यू नो, यहाँ पे कोई प्रेशराइज नहीं है, कोई फोर्सफुल चीज़ नहीं है, आपका जैसा मन आप वैसा ही वीडियो देख सकते हैं। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे ये रीडिंग, देख लेते हैं क्या क्या ऑप्शंस है। ओके, दिस इज ऑप्शन नंबर 1, एस ऑफ कप्स। दिस इज ऑप्शन नंबर 2, पेज ऑफ वंड्स। एंड दिस इज ऑप्शन नंबर 3, 3 ऑफ कप्स। वाओ, बहुत ही बढ़िया ऑप्शंस हैं। ओके, तो चलिए हम लोग ऑप्शन 1 से स्टार्ट करते हैं। हेलो ऑप्शन 1, आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। चलिए देख लेते आप लोगों के लिए क्या गाइडेंस है। थैंक यू। हम लोग पहले मूनोलॉजी कार्ड से आप लोगों के लिए इस वीक में क्या गाइडेंस है, इस वीक में क्या कहा जा रहा है आपको, वो हम लोग देख लेंगे। आई फील लाइक यहाँ पे बहुत सारा रोमांटिक साइकिल स्टार्ट होने वाला है। आई फील आप लोगों के बीच आपका जो, अगर आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में भी हो तो मुझे यहाँ पे कॉन्टैक्ट्स दिख रहा है, यहाँ पे मुझे सिचुएशन इम्प्रूव होता हुआ नज़र आ रहा है। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। एंड मुझे ये भी फील हो रहा है कि आपका जो बॉडी है वो भी शेप में आ रहा है। आई फील आप लोग जिम करते हो या योगा करते हो एंड उसका इफेक्ट आपको अब दिख रहा है, ठीक है। आप 3 महीने से 4 महीने से जिम ज्वाइन किए हो, आपको समझ नहीं आ रहा है। एंड सिर्फ जिम या योगा नहीं, आप डांस क्लास भी आई फील ज्वाइन कर चुके हो तो आपका जो बॉडी में चेंजेस है वो आपको अब नज़र आ रहा है। ब्लू कलर आप लोगों के लिए बहुत अच्छी बात है। अगर आप डेट पे जा रहे हो इस वीक में, हालांकि बहुत लोग मतलब ऑलमोस्ट सभी जाएंगे, तो आप ब्लू कलर का ड्रेसेस पहने
ठीक है, थैंक यू सो मच, थैंक यू. शो द वर्ल्ड द रियल यू. आपको कहा जा रहा है आप जैसे हो वैसा ही आपके पार्टनर के पास आप शो करें. ऐसा नहीं होना चाहिए आप कुछ प्रिटेंड करो उनके सामने. ओके, मैं नहीं चाहती कि आप अपने पार्टनर के सामने प्रिटेंड करें जो आप सॉरी जो आप नहीं हो. वो आपको दिखाने की जरूरत नहीं है, है ना. एक्सेप्ट करना बड़ी बात होती है हर वक्त. मतलब आई फील एडजस्ट करने से ज़्यादा एक्सेप्ट करना इजी होता है. वो हमें लाइफ में इजी एक्सेस देते हैं. थैंक यू. कंक्लूजन आर विद इन रीच. मैंने कहा ना, जो लोग नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हो वहाँ पे कॉन्टैक्ट्स मिल रहा है, वहाँ पे कॉन्टैक्ट्स बन रहे हैं, बहुत ही बढ़िया. यहाँ पे एंड ऑफ टफ साइकिल मुझे नजर आ रहा है. आई फील लाइक 3-4 महीने से अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है अपने पार्टनर के साथ, तो वो चीज़ सॉल्व होता हुआ नजर आ रहा है मुझे इस वक्त, इस 7 दिनों में. थैंक यू. इस एनर्जी को क्लेम करें, इस एनर्जी को. बिलीव इन द इम्पॉसिबल. माई गॉड, बहुत ही बढ़िया मैसेजेस है आप लोगों के लिए. अगर आप सोच रहे हो कि दी कैसे करे, वो तो मेरे साथ बात ही नहीं करना चाह रहा है, वो तो मेरे से मुकर गया है, वो तो मेरे से बात करना ही नहीं चाहता है, मेरे बारे में हमेशा उल्टा सीधा बोलता रहता है किसी और को, वो हमेशा मेरे साथ झगड़ता है. अगर आप ज़्यादा 3D के ऊपर फोकस कर ली तो आपको मैजिक देखने को नहीं मिलेगा. ठीक है, तो इम्पॉसिबल जो चीज़ है उसके ऊपर बिलीव करने के लिए कहा जा रहा है कि हाँ, तभी जाके आपको मैजिक या मिरेकल्स दिखने को मिलेगा. ओके, देख लेते हैं हमारे प्यारे से गन्नू जी की तरफ से आप लोगों के लिए क्या गाइडेंस है. थैंक यू सो मच, थैंक यू. ये कार्ड खुदा क्या आप लोगों के लिए आया है, तो आप समझ रहे हो ना कि हाँ, ये वीक आपको आप लोगों के लिए कितना प्यारा प्यारा होने वाला है. यहाँ पे है लव. इट इज़ नॉट अबाउट फाइंडिंग लव. अगर आप प्यार ढूंढ रहे हो तो आपको कभी प्यार नहीं मिलेगा. प्यार अपने अंदर होता है. यू आर लव इट सेल्फ. हेल्प मी लॉर्ड टू सेंड सो मच कंपैशन एंड केयरिंग टू द इनर चाइल्ड. आई माई सेल्फ आई एम लव. आप खुद प्यार हो, आपको बाहर ढूंढने की जरूरत नहीं है. ये एकदम परफेक्ट कार्ड है इस वीक के लिए जो आप लोगों के लिए आया है. पाइल वन, यू गाइज आर अमेजिंग. ये और एक फुदक के आया. वर्क, आपको कहा जा रहा है अपने ऊपर काम करें. ठीक है, अपने ऊपर काम करें, अपने सेल्फ ग्रोथ के ऊपर काम करें. बाहर क्या चल रहा है, लोग क्या कह रहे हैं, इसके ऊपर ध्यान मत दे. अगर आप लोगों को कोई कह रहा है, ओके, टू कार्ड्स यहाँ पे खुद से आया है कि नहीं होगा तुमसे, तो उनके ऊपर बिलीव ना करके खुद के ऊपर बिलीव करें. ओके, यहाँ पे चेंज सिचुएशन, चेंज है यहाँ पे, मैं पहले ही कह दी थी. एंड है डिस्पेयर. आई नीड टू डिवाइन, सॉरी ये क्या है, ओके, इंटरसेशन राइट नाउ. ओ ग्रेट स्पिरिट लिफ्ट दिस डार्कनेस फ्रॉम माई सोल. स्पेशली आपको कहा जा रहा है कि स्पिरिट के पास आप हेल्प मांग सकते. ठीक है, एक सेकेंड. हाँ, अब सही है. थोड़ा मैंने सेट कर दिया, इसलिए मैंने सेट करके. ओके, तो पहली बात तो ये वैलेंटाइन वीक में आपके पास लव का कार्ड आया है, तो यहाँ पे एस ऑफ कप्स भी आया है. तो जो लोग, मतलब आप लोग ये पाइल को चूज़ की हो, तो आप लोगों के पास ढेर सारा भर भर के प्यार भेजा जा रहा है. आपको ये कहा जा रहा है कि प्लीज़ बाहर कहीं से किसी के पास से प्यार ना ढूंढे. आप खुद प्यार हो, उसके ऊपर आप जितने अपने आप को नरिश करोगे, ट्रू लव आपके पास उतना जल्दी आएगा. ठीक है, और ये चीज़ आ चुका भी है. ठीक है, ये चीज़ आ चुका है. सो ज़्यादा आपको ढूंढने की ज़रूरत नहीं है. सच्चा प्यार आपको ढूंढता हुआ आ जाएगा. आपको ढूंढने की ज़रूरत नहीं है. यहाँ पे एकदम परफेक्ट, मतलब एकदम परफेक्ट वे में आपको कहा गया है लव, वर्क थ्रू योर सेल्फ. यहाँ पे चेंज है एंड डिस्पेयर.
आपके अंदर जो भी नेगेटिव थॉट्स है, नेगेटिव बिलीफ है, आप स्पिरिट गाइड्स को, भगवान को कह सकते हो कि प्लीज़ मुझसे, मेरे पास से ये चीज़ हटा दीजिए, मेरे सोल से ये डार्कनेस हटा दीजिए। ठीक है, ओके, लेट्स सी आप लोग के लिए नेक्स्ट क्या गाइडेंस है। हम लोग टैरो कार्ड से हम लोग देखेंगे। थैंक यू सो मच, थैंक यू। आप ये पाइल में ना बहुत फुदकता हुआ कार्ड आ रहा है, जो कि बहुत पसंद है मुझे। थैंक यू, मुझे बहुत पसंद आ रहा है ये पाइल। आप लोगों का एनर्जी भी बहुत ही इनर चाइल्ड वाला एनर्जी, आप बहुत फुदक रहे हो इस वीक में। आप लोगों को ऐसा भी फील हो रहा है कि पता नहीं क्यों मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा है, विच इज़ वेरी गुड साइन। हाँ, थैंक यू। अगर आप रीयूनियन होगा क्या या नहीं होगा अपने पार्टनर से, इसके लिए ये वीडियो देख रहे हो एंड आपने ये पाइल चूज की है, तो डेफिनेटली यहाँ पे यस है। ओके, थैंक यू सो मच। क्वीन ऑफ सोर्ड्स, आप करेक्ट राइट पाथ पे हो, आप फर्म डिसीशंस भी लेते हो। ठीक है, आप जो डिसीशंस लेते हो वो बहुत ही बेस्ट डिसीशंस होता है और बहुत क्विक डिसीशंस लेते हो आप। यहाँ पे गिव एंड टेक है, आपने अब तक एटमोसफियर को, दूसरे पर्सन को जो भी चीज़ दिया है आप अब रिसीव करोगे, आप रिसीविंग मोड में हो अभी। ठीक है, आपको दिया जाएगा। अगर आपने प्यार दिया है तो आप प्यार रिसीव करोगे, अगर आपने कुछ हेट्रेड दिया है इस एटमोसफियर को, दूसरे पर्सन को, तो आप वो रिसीव करोगे। ठीक है, कर्मा है यहाँ पे। यहाँ पे क्वीन ऑफ कप्स, वाओ, यहाँ पे क्वीन ऑफ सोर्ड्स यानी आप फर्म डिसीशंस ले रहे हो। आपने जो अपने लाइफ में अपने पार्टनर के लिए डिसीशंस लिए कि हाँ ये मेरा पार्टनर है एंड ऑल दैट, तो वो भी जैसे करेक्ट है। यहाँ पे आपका इमोशनल जो बैगेज था वो कंप्लीट होके आप अपने अंदर प्यार भर रहे हो, जो कि बहुत बड़ी बात है। क्वीन ऑफ कप्स, आपके पास लोग जब आते हैं ना तो बहुत ही शांत, बहुत ही फुल्ड, हील्ड, ऐसा आप महसूस करवाते हो लोगों को। आपका सोल ही ऐसा है, बहुत बढ़िया। एंड आप लोगों के लाइफ में इस वीक में, सच में सच बता रहे हो, इस वीक में आप लोगों के लिए बहुत ही खूबसूरत पार्टनर भी आ रहा है। अगर आपके लाइफ में नया पर्सन का आप एंट्री करवाना चाहते हो कि नहीं मुझे कोई एक्स के साथ कुछ नहीं करना है, मेरे लाइफ में नया पार्टनर आना है, तो ये भी अवेलेबल है। ओके, एंड नया पार्टनर जो है वो बहुत ही इमोशनल होगा आपका, वो डिसीशंस भी बहुत फॉर्म लेगा एंड उसके अंदर थोड़ा मदर कैरेक्टर भी होगा, मदरली इंसान है वो। ठीक है, एंड बच्चों से बहुत प्यार करते हैं, बड़े बुजुर्ग से बहुत प्यार करते हैं, उनका बहुत आदर करते हैं, ऐसा है आपका पार्टनर। आई फील लाइक यहाँ पे प्रेगनेंसी है, मुझे ऐसा लग रहा है कि ऐसे लोग भी देख रहे हैं जो ऑलरेडी प्रेग्नेंट है, ऐसे लोग भी देख रहे हैं। तो आप लोगों को मैं कहती हूँ कि यहाँ पे ट्विन बेबी है। ठीक है, यहाँ पे ट्विन बेबी की ऊर्जा है एंड आप लोग इस वक्त सी साइड में घूमने जा सकते हो, या आप लोग सी साइड में घूमने जा सकते हो या वही बीच एरिया में घूमने जाने का कोई प्लान भी बन रहा है आपका, जो कि सक्सेसफुल होगा। थैंक यू। ये रिश्ता शादी तक है, 10 of cups, ये कंफर्मेशन है। अगर आप पूछ रहे थे कि रीयूनियन होगा नहीं होगा हमारे, मैंने कहा ना यहाँ पे ट्विन बेबी की ऊर्जा है, यहाँ पे ट्विन बेबी की ऊर्जा है। ये आप पाइल नंबर 1, आप लोग बहुत ही प्यारे हो, आपको सिर्फ कहा जा रहा है कि अपने ऊपर बिलीव करो, आप जैसे हो वैसा ही अपने पार्टनर को दिखाओ। एंड जो आपको इम्पॉसिबल लग रहा है कि नहीं उसे ये पसंद नहीं है, इम्पॉसिबल चीज़ में बिलीव करना शुरू करो, अच्छे इम्पॉसिबल चीज़। ठीक है, पॉजिटिव इम्पॉसिबल चीज़ के ऊपर बिलीव करना स्टार्ट करो। एंड यहाँ पे आपका जो ऊर्जा है उस हिसाब से कार्ड्स आए हैं, तो पहली बात तो यह है कि आप लोगों को बहुत ही प्यार भरा ऊर्जा भेजा जा रहा है डिवाइन की तरफ से। एंड आपका पार्टनर, अगर यहाँ पे मैं शादी देख रही हूँ, बहुत लोगों की इस मंथ में शादी फिक्स्ड होनी है,
ओके, जितना भी साइड में इम्पॉसिबल लग रहा है आपका 3D को देख के, लेकिन यहाँ पे है, यहाँ पे वो सिचुएशन है। बहुत ही बढ़िया, यहाँ पे नो कांटेक्ट सिचुएशन में भी कांटेक्ट है, यहाँ पे प्रपोजल है। अगर आप मिंगल भी हो तो यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप आपका पार्टनर लेने वाला है। बहुत ही बढ़िया, चलिए देख लेते हैं आपके पार्टनर की तरफ से आप लोगों के लिए क्या पर्टिकुलर क्या मैसेजेस है, आपका कौन से वो अदाए है जो उनको बहुत पसंद है। थैंक यू सो मच, थैंक यू, थैंक यू, ये बहुत प्यारी ऊर्जा है, प्लीज इसे क्लेम करें। थैंक यू सो मच, थैंक यू, ओके। आई लव इट वेन यू डांस लाइक नोबडी इज वॉचिंग। मैंने पहले ही कहा था ना कि आप लोगों ने डांस क्लासेस भी ज्वाइन किया है, ऐसा कुछ है, यहाँ पे डांसर्स भी है, या आप बहुत पसंद करते हो डांस करना। एंड आप जब डांस करते हो इसका मतलब आप बहुत खुश हो। यू टेक केयर ऑफ मी वेन आई एम सिक। आप अपने पार्टनर का बहुत ध्यान रखते हो जो उनको बहुत पसंद है। ओके, नेक्स्ट, आई लव यू बिकॉज यू ऑलवेज नो हाउ टू सरप्राइज मी। आप उनको हमेशा सरप्राइज देते हो, ये भी उनको बहुत पसंद है, छोटे छोटे सरप्राइजेस। ऐसा नहीं है कि बड़ा कोई गिफ्ट देना है, महंगा कोई गिफ्ट देना है, नो, नॉट लाइक दैट। हैंडमेड कोई चीज़ दे दी, टाइम देना एंड कुछ पका के उनको खिलाना, दिस काइंड ऑफ सरप्राइजेस उनको बहुत पसंद है। आई लव द वे यू लुक एट मी। ओ माई गॉड, ये बहुत प्यारा मैसेज है। We have so many private jokes, I could not count them all. यहाँ पे डर्टी टॉक्स है, little डर्टी टॉक्स। ओके, तो ये पाइल नंबर वन आप लोगों के लिए मैसेजेस है। बहुत ही प्यारा ऊर्जा है एंड बहुत ही ब्यूटिफुल एनर्जी है, प्लीज़ इसे क्लेम करें। आप लोगों के लिए बहुत सारा प्यार डिवाइन की तरफ से भेजा जा रहा है एंड बहुत सारा ब्लेसिंग्स भेजा जा रहा है पाइल नंबर वन। एंड आपका पार्टनर आप लोगों को सच में बहुत प्यार करते हैं, बहुत प्यार करते हैं, मैं वो देख पा रही हूँ। यहाँ पे मैरिज है, इस मंथ में मैरिज है, सॉरी। यहाँ पे आप एक्चुअली आप फील कर पा रहे हो कि हाँ भाई ये चीज़ है, आपके साथ ये रिजोनेट भी हो रहा है। ओके, तो यही कुछ मैसेजेस है पाइल नंबर वन। आई होप आप लोगों को ये रीडिंग अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले। चलिए मिलते हैं कोई नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, मिलते हैं पाइल नंबर टू के साथ। हेलो पाइल नंबर टू, वेलकम टू योर रीडिंग। अगर आपने पेज ऑफ वॉन्ड्स को चूज किया है तो चलिए देख लेते हैं आप लोगों के लिए इस वीक में हमारे प्यारे से गन्नू जी की तरफ से क्या गाइडेंस है। थैंक यू। आई फील लाइक आप लोग ना बहुत फ्री फील कर रहे हो, कोई बर्डन था जो आपने क्लोज कर दिया है, कॉर्ड्स कट किया है, तो आप बहुत फ्री एनर्जी में हो एंड आप अपना लाइफ एंजॉय कर रहे हो, ठीक है। मुझे ये भी लग रहा है आप बहुत दिनों से ये इच्छा कर रहे हो कि आप पहाड़ की एरिया में घूमने जाए, यू नो, मनाली, शिमला, यहाँ पे आप घूमने के लिए जाना चाहते हो, तो मुझे वो डिज़ायर भी फुलफिल होता हुआ नज़र आ रहा है। आप अपने बालों के ऊपर थोड़ा ध्यान रखें, क्योंकि इस वीक में आपको ये कहा जा रहा है कि आपका बाल थोड़ा सा ज़्यादा झड़ सकते हैं, ठीक है। तो आप अपने बालों के ऊपर ज़्यादा ध्यान दें, आप ज़्यादा उनको ओपन करके रखते हैं तो आपको कहा जा रहा है थोड़ा सा उनको बांध के रखें, ठीक है। आप लोगों को जैकेट्स पहनना बहुत पसंद है, जो कि बहुत अच्छी बात है, आई लाइक इट। मुझे ऐसा फील हो रहा है कि यहाँ पे जो डांस, मुझे ऐसा ये लग रहा है कि आप लोग डांस सीखते हो और हिप हॉप स्टाइल आपको बहुत पसंद है, यू नो, हिप हॉप वेस्टर्न डांस आपको ज़्यादा पसंद है, वेस्टर्न क्लासिकल नहीं, वेस्टर्न हिप हॉप आपको बहुत पसंद है। थैंक यू सो मच। चलिए देख लेते हैं मूनोलॉजी कार्ड से आप लोगों के लिए क्या गाइडेंस है। यहाँ पे मुझे वक्त चेंज होता हुआ नज़र आ रहा है, ऐसा लग रहा है कि बहुत दिनों से, यानी 6-7 महीने से या 8-9 महीने से आपका जो टाइम चल रहा था वो अब चेंज, मतलब अगर आप डाउन सिचुएशन में थे तो अब आपके साथ कुछ पॉजिटिव होना स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। वो वक्त का जो पहिया है ना वो घूम रहा है आपके लिए। थैंक यू।
बी बोल्ड एंड मेक द फर्स्ट मूव. अगर आप किसी को पसंद करते हो तो जाइए उनको कह दीजिए कि आप उनको पसंद करते हो, आपके अंदर फीलिंग्स है आपके पार्टनर के लिए, ठीक है, आप जाइए और कह दीजिए. ये बहुत बढ़िया वीक है. डरिए मत कि नहीं होगा अगर उन्होंने मना कर दिया एंड ऑल दैट. अगर उन्होंने हाँ कर दिया तो वो साइड तो देखिए, ठीक है. तो आपको कहा जा रहा है कि मेक द फर्स्ट मूव, बहुत बढ़िया. सी अ न्यू रोमांटिक साइकिल बिगिंस. मैंने अभी कहा ना कि अगर उन्होंने हाँ कर दिया तो तब तो ये कार्ड है आपके लिए. न्यू रोमांटिक साइकिल बिगिंस. मैंने कहा ना कि यहाँ पे आपका टाइम चेंज हो रहा है. माई गॉड, थैंक यू स्पिरिट. मेडिटेट एंड कॉन्टेम्पलेट. आपका इनर चाइल्ड हील हो चुका है ऑलमोस्ट, ठीक है. तो आपको कहा जा रहा है आप मेडिटेट करें एंड उसको आप अपने लाइफ में काम पे लगाएं. मेडिटेशन इज़ अ मैजिक, इट्स अ मिरेकल, ठीक है. मैं खुद के लाइफ में ये एक्सपीरियंस कर चुकी हूँ. हालांकि उतना तो नहीं कर पाती हूँ, लेकिन जितना भी करती हूँ मुझे मिरेकल से कम एक्सपीरियंस नहीं मिलता है. मतलब जो सिचुएशन में लगता है कि ये हो ही नहीं सकता, वो सिचुएशन से कहाँ से एक वे आके, कोई आके मुझे हेल्प करके वहाँ से निकाल देता है, भगवान ही जाने, ठीक है. तो यहाँ पे ये इस वीक के लिए हम लोग ये रीडिंग देख रहे हैं. तो इस वीक में आपको कहा जा रहा है ए न्यू रोमांटिक साइकिल बिगिंस, जो कि बहुत ही बढ़िया है. कॉन्ग्रेचुलेशंस. मुझे ये भी फील हो रहा है जो लोग नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में थे या कॉन्टैक्ट सिचुएशन में भी हो लेकिन अपने पार्टनर के साथ झगड़ा हो गया है, उनके साथ डिस्टेंस बढ़ गया है, तो उनके साथ भी ये सिचुएशन इम्प्रूव होता हुआ मुझे नज़र आ रहा है. आई एम सो हैप्पी. थैंक यू सो मच. पाइल नंबर टू. आपका कार्ड्स भी पाइल नंबर वन जैसा ही बहुत ही ब्यूटीफुल है. थैंक यू. एंड आपका जो एनर्जी है, मतलब कहीं ना कहीं आप ये समझ चुके हो कि आपका लाइफ, आपकी प्रायोरिटी फर्स्ट है, दूसरे से ज़्यादा आपके लाइफ में आपकी प्रायोरिटी फर्स्ट है, ठीक है. आप क्या सोच रहे हो, कैसे फील कर रहे हो, वो इम्पॉर्टेंट है. थैंक यू सो मच. मुझे यह बैलेंस दिख रहा है. मैंने कहा ना कि आप हील हो चुके हो, आप बहुत बैलेंस्ड फील कर रहे हो अभी. थैंक यू सो मच. यहाँ पे भी 69 की ऊर्जा मुझे दिख रही है, बैलेंस. यहाँ पे भी वही है, लिब्रा की ऊर्जा. थैंक यू सो मच. थैंक यू. ओके. रिलेशनशिप. सी, वेरी वेरी नाइस. अ कॉल इन विद in the infinite power of love to over this union in every way. यहाँ पे union है, definitely यहाँ पे union है. अगर आप union के लिए देख रहे हो कि मेरे साथ मेरे partner का union होगा नहीं होगा, call करेगा नहीं करेगा and all that, यहाँ पे union है. यहाँ पे new romantic cycle है आप लोगों के लिए, इस week में है and very nicely, मतलब बहुत ही खूबसूरत तरीके से है, ठीक है. आप सोच भी नहीं सकते, आपको लगेगा है मैं ऐसे सोचा भी नहीं था, ठीक है. आई फील लाइक इस वीक में आपको कोई शूज गिफ्ट करेगा, ठीक है. आपको गिफ्ट में शूज मिलेगा. कामनेस. आप बैलेंस्ड हो चुके हो ना, तो आपके अंदर कामनेस भी आ चुका है. आप बहुत काम फील करते हो, बहुत शांत इनर पीस आपको मिल चुका है. क्या बढ़िया कार्ड्स आ रहे हैं. कामनेस है यहाँ पे. द इनर डिवाइन इज द विटनेस ऑफ ऑल, रिमेनिंग स्टिल एंड क्वाइट. बाहर कुछ भी चल रहा है लेकिन आपके अंदर वो चीज़ ये बैठ गया है कि हाँ मैं बहुत शांत हूँ, मैं पावरफुल हूँ, आई एम इनफ, आई एम वर्थ इट. ये जो अफर्मेशंस हम लोग कहते हैं ना, उसका आपको असर हो चुका है, असर शुरू हो गया है आपके लाइफ में. तो इसलिए यहाँ पे आपका न्यू रोमांटिक साइकिल भी बिगिन हो गया. यहाँ पे मुझे, मैंने पहले ही कहा था कि चैप्टर क्लोज होता हुआ मुझे नज़र आ रहा है, और हो चुका है एक्चुअली, ठीक है. आप ऑलरेडी फ्री फील कर रहे हो.
थैंक यू। डिरेक्शन, आपको डिरेक्शन देखने की ज़रूरत है। आप सोच रहे हो कि मैं आप अपने एक्स के पास वापस जाऊं या मैं अपने लाइफ में कोई नया पर्सन को एंट्री दूं। अगर आप मुझे पूछते हो तो मैं ये कहूँगी, ये एक जनरल रीडिंग है, ठीक है, पर्सनल रीडिंग ये है नहीं, लेकिन मैं इतना फील कर पा रही हूँ, अगर आप अपने पुराने पार्टनर को अपने पास होता हुआ फील कर रहे हो एंड उसमें आपको कोई दिक्कत नहीं हो रहा है, कोई प्रॉब्लम फील नहीं हो रहा है, तो इट्स ओके। अगर कोई प्रॉब्लम फील हो रहा है, कोई ऐसा फील हो रहा है कि अनइजी फील हो रहा है, तो डेफिनेटली वहाँ पे नो कर दीजिए। यहाँ पे न्यू लव है एक्चुअली, ठीक है, यहाँ पे मैं न्यू पर्सन आपके लाइफ में आता हुआ मुझे नजर आ रहा है। चेंज, सी मैंने कहा ना कि यहाँ पे चेंज है, न्यू पर्सन आता हुआ नजर आ रहा है मुझे। ये पर्सन बहुत ही बैलेंस्ड है, मच्योर है। आई फील लाइक उनका जो है, वो अपने हेयर को बहुत ही स्टाइल करना पसंद करते हैं, हेयर के ऊपर बहुत एक्सपेरिमेंट करते हैं वो, बहुत ही मॉडर्न लुक पसंद करते हैं, ट्रेडिशनल लुक ज़्यादा पसंद नहीं करते, मतलब पहनते नहीं है, ओके। एंड अपने फैमिली को बहुत प्यार करते हैं, उनको प्रायोरिटी देते हैं, फैमिली को वो बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं। एंड जब भी आप इन ये पर्सन के साथ आप मिलोगे ना, आपका दिल आपको सिग्नल दे देगा कि दिस इज द वन। चेंज है यहाँ पे। अगर आप डिरेक्शन में पूछ रहे थे कि कहाँ कौन से डिरेक्शन में जाए, न्यू के तरफ या पूरा ओल्ड के तरफ, एक्स के तरफ, तो यहाँ पे मैं इतना कह रही हूँ कि 90% लोगों के लिए यहाँ पे न्यू डायरेक्शन है, ओके ओके। तो चलिए देख लेते हैं टैरो से आप लोगों के लिए क्या मैसेजेस है। थैंक यू सो मच, थैंक यू। बहुत ही खूबसूरत है पाइल टू आपकी ऊर्जा, बहुत ही शांत, काम डाउन, बैलेंस्ड, मैच्योर, परफेक्ट डिसीशंस लेने वाला, वाओ। एंड बहुत ही इमोशनल, मतलब वो कुछ होता है कि अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर सकते। आप खुशी में भी ज़्यादा खुश नहीं होते हो एंड दुख में भी ज़्यादा डाउन नहीं हो जाते हो, एक बैलेंस्ड रहता है आप। थैंक यू सो मच। यहाँ पे मुझे फ़ोन कॉल्स भी ऐसे दिख रहा है कि आप यहाँ पे मुझे कॉल रिसीव होता हुआ नज़र आ रहा है। अगर आप अपने पार्टनर का कॉल के लिए वेट कर रहे हो तो वो भी यहाँ पे है। सी मैंने कहा ना कि आप वेट कर रहे हो कॉल के लिए, तो यहाँ पे है। बहुत लोगों के लिए इस वक्त चेंजेस भी है। आप लोगों ने बहुत दिनों से वेट किया है इस चेंज के लिए, बहुत दिनों से वेट किया है इस चेंज के लिए, माशाल्लाह इस वक्त वो चेंजेस है, ये आपको मिल रहा है। और मुझे ये भी फील हो रहा है आपका जो पर्सन है, अगर आप पूछ रहे हो कि मेरा ट्रू लव कहाँ है, कहाँ पे मिलेगा, आपके नेटिव लैंड से दूर है वो, आपके नेटिव लैंड से दूर है वो, आसपास नहीं है, ठीक है। दिस इज फॉर द न्यू पर्सन, ओके। और जो ओल्ड है वो भी, मतलब आप जहाँ हो वहाँ से आपका पर्सन दूर ही है, बहुत ज़्यादा ओवरसीज है। एट ऑफ सोर्ड्स, आपको कहा जा रहा है कि आप अपने दिल की बात सुने। आपको बाहर ऐसा सिचुएशन मिल सकता है, मुझे ये मैसेज हर किसी के साथ तो रेजोनेट नहीं होगा, लेकिन मुझे ऐसा फील हो रहा है कि फैमिली में आपको ये कहा जा रहा है कि इस लड़के से शादी कर ले, ये लड़का तुम्हारे लिए बहुत अच्छा है, लेकिन आपका दिल नहीं मान रहा है, आपको लग रहा है कि नहीं, मैं इस लड़के से शादी नहीं कर सकता, इसमें मतलब मैं इससे प्यार नहीं करता तो कैसे शादी कर लूँ, मतलब फैमिली का प्रेशर मुझे यहाँ पे दिख रहा है, लेकिन आपका दिल किसी और के लिए धड़क रहा है। तो आपको कहा जा रहा है, ठीक है, फैमिली को हर वक्त बताने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अपने दिल में अपने भगवान को ये हमेशा प्रे करते रहिए कि कोई ऐसा रास्ता दिखाए ताकि ये सारे चीज़ जो बाउंड्रीज है, जो भी है पे ब्लॉकेजेस है, वो हट जाए। आप अपना इंट्यूशन को फॉलो करें एंड आप अपने आप के ऊपर बिलीव रखें कि हाँ, मेरा जो पार्टनर है उनके साथ ही मेरी शादी है, ठीक है।
मुझे यहाँ पे फैमिली बॉन्डेज बहुत दिख रहा है, फैमिली प्रेशर दिख रही है। ऐसा लग रहा है कि आपका पार्टनर आपको कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो गया है, लेकिन किसी को आप समझा नहीं पा रहे हो। नहीं, आपका पार्टनर ऐसा आपको धोखा नहीं दिया है, लेकिन बाकी सबको लग रहा है कि आपका पार्टनर आपको धोखा दे के कहीं चला गया है। द चैरियट, यहाँ पे सी यूनियन है, माई गॉड, पाइल टू, आप लोग भी कमाल के हो। यहाँ पे देखा, यहाँ पे सोलमेट यूनियन है, द चैरियट, विक्ट्री आपकी है। यहाँ पे यन एंड यांग की ऊर्जा है, यहाँ पे सोलमेट यूनियन है। आपको कहा जा रहा है आप थोड़ा सा, ये सिचुएशन है ट्रस्ट दिखाने की, ये सिचुएशन है ट्रस्ट दिखाने की कि आप भगवान के ऊपर, यूनिवर्स के ऊपर कितना बिलीव करते हो, ये वो सिचुएशन है। अब ये सिचुएशन आप पास कर गए तो ये आपका रिजल्ट है, आपके पार्टनर के साथ आपकी यूनियन। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, आपका जो पार्टनर है वो बहुत रिच है, फैमिली रिच, ओके। यहाँ पे मुझे ऐसा भी दिख रहा है कि आपका पार्टनर जॉब नहीं, बिजनेस करता है, जॉब भी करता है। अगर जॉब भी करता है तो उनका सैलरी भी बहुत हाई है, ठीक है। जनरली बिजनेस करता है एंड मनी को लेके वो थोड़ा सा अभी टेंशन में है, मुझे ये भी फील हो रहा है। तो कोई उनका फाइनेंशियल इश्यूज चल रहे हैं अभी, उनको मनी डोनेट करना, मनी दे के किसी का हेल्प करने में बहुत अच्छा लगता है। आपका पार्टनर ऐसा है, वो आप लोग अगर हो सके तो ब्लैक कलर अवॉइड करें, ओके, इस वीक में। यहाँ पे टू ऑफ वॉन्ड्स आया है, यहाँ पे यूनियन है, डेफिनेटली यहाँ पे यूनियन है। अगर आप अपने घर में फ्लावर्स रखते हैं, फ्लावर वास है एंड फ्लावर सब रखते हो, तो वाइट कलर का फ्लावर्स आप ज़्यादा रखने की कोशिश करें। अगर रोज़ भी डालते हो, रोज़ रखते हो, तो वो भी वाइट कलर के, वाइट कलर के जो फ्लावर्स होते हैं वो अपने घर में रखने की कोशिश करें, वो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा, ठीक है। ओके, तो यही कुछ मैसेजेस है पाइल टू आप लोगों के लिए, बहुत ही प्यारा मैसेजेस है। मुझे यहाँ पे राजस्थान बहुत दिख रहा है, मतलब राजस्थान एरिया वो बहुत दिख रहा है, मुझे वो राजस्थान, ये वर्ड मुझे बहुत, मुझे सुनाई दिया। आपका कोई नाता है राजस्थान से, ओके। तो चलिए देख लेते हैं आप लोगों के, आपका जो पार्टनर है वो आपको क्या कहना चाह रहे हैं, क्या मैसेजेस, क्या मैसेजेस है आप लोगों के लिए। थैंक यू सो मच। तीन कार्ड्स आ गए हैं ऑलरेडी, एक और, चलो ये दोनों आ गए। You make me feel awesome. We are so close but yet have managed to keep our secret gardens. Okay, you never judge and always try to understand me. आप अपने पार्टनर को हमेशा समझने की कोशिश करते हैं। I love it when you dance like nobody watching. It's actually this is, ये जो message है ना, ये इस card के लिए ही है। सीन ये लड़की ऐसे ही डांस कर रही है जैसे इसे कोई नहीं देख रहा, एंड दिस इज, मतलब यही चीज़ आपका पार्टनर जो है ना उनको बहुत पसंद है। आई लव द वे यू लुक, माय गॉड, बहुत ही खूबसूरत डायरेक्ट मैसेजेस है। ये मैसेजेस, यही चीज़ है जो आपका पार्टनर आपके लिए सोच रहा है, आप उनको बहुत अच्छा फील करवाते हो, ये भी वो कहते हैं, ये भी वो कन्फेस करते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, यही कुछ मैसेजेस है आप लोगों के लिए। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा हो पाइल टू। अगर अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले। चलिए मिलते हैं कोई नई वीडियो में एंड हम लोग बढ़ते हैं पाइल थ्री की तरफ। थैंक यू सो मच, थैंक यू। हेलो पाइल थ्री, कैसे हो आप सब लोग। चलिए देख लेते हैं आप लोगों के लिए हमारे प्यारे से गणेश जी की तरफ से क्या मैसेजेस है, फटाफट देख लेते हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू। पाइल वन एंड पाइल टू का जो रीडिंग था बहुत ही बढ़िया था।
चलिए देख लेते हैं आप लोग के लिए क्या मैसेजेस आते हैं हमारे प्यारे से गणेश जी की तरफ से इस वीक के लिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू, थैंक यू। मुझे यहाँ पे ग्रुप वर्क्स दिख रहा है, यहाँ पे मुझे फ्रेंडशिप दिख रही है, यहाँ पे मुझे रीयूनियन दिख रहा है, यहाँ पे मुझे नाइट आउट्स दिख रहा है। ठीक है, ऐसा लग रहा है कि आप दोस्त सब मिल के इस वीक में नाइट आउट करने वाले हो। तो आई फील लाइक बहुत ही ब्यूटीफुल ऊर्जा है आपका। ओके, नंबर वन, डिवाइन सरेंडर टू द डिवाइन। आपका आप ये सोच रहे हो अगर मैंने उसे छोड़ दिया, अगर मैंने उसके लिए सोचना छोड़ दिया, अगर मैंने उसका केयर नहीं किया तो कौन करेगा? अगर मैं उसके पीछे पीछे नहीं गई तो वो किसी और के पास चला जाएगा। अगर मैं उसके पास गिर गिराया नहीं, उसके उसको माफ़ी के लिए नहीं पूछा, आप उनको अपने पेडेस्टल पे क्यों तोल रहे हो, अपने ऊपर क्यों तोल रहे हो? आपको कहा जा रहा है कि जितना आप सिचुएशन को ऐसे पकड़ के रखोगे उतना वो सिचुएशन और भी आपको हर्ट करेगा। तो आपको कहा जा रहा है कि सरेंडर कर दीजिए डिवाइन को, एंड ये मतलब ऐसे कि अब जो होगा आप ही देख लो भगवान जी, मुझसे और नहीं होता है। ठीक है, तो जब भी आप सरेंडर करोगे तभी यहाँ पे चेंज दिखेगा। दे दो ऊपर वाले को, दे दो कि जो होगा आप उसको एक्सेप्ट कर लोगे, फिर देखो मैजिक क्या होता है। आपको कुछ करने की ज्यादा जरूरत नहीं है, आपको आप अपना एक्शंस बहुत ले रहे हो, अभी आप एक्शंस और मत लो। ठीक है, आप दोस्तों से बहुत रीडिंग, आई फील लाइक आप दोस्त को भी पूछ रहे हो, आप टैरो रीडिंग्स भी ले रहे हो कि कब चेंज होगा आपका सिचुएशन, कब चेंज होगा। आप सबके पास जा रहे हो, मंदिर जा रहे हो, जो भी रेमेडीज कहा जा रहा है वो सब कर रहे हो, एंड आप ऐसा कर रहे हो कि प्लीज़ ये सिचुएशन चेंज हो जाए, चेंज हो जाए, लेकिन आप उसको सरेंडर नहीं कर रहे हो। ठीक है, जब भी वो पर्सन की बात आ रहा है, आपको सुनाई दे रहा है, तो आपके अंदर एक डर बैठ रहा है कि वो मेरे पास वापस नहीं आएगा, वो मुझे छोड़ के चला जाएगा, एंड ऑल दैट। तो ये चीज़, ये जो नेगेटिव बिलीव है, ये आपको खाया जा रहा है। तो आपको कहा जा रहा है कि इसको सरेंडर कर दीजिए डिवाइन के ऊपर। सी, यू एंड योर लव्ड वंस आर सेफ। बताओ, जब भी आप ये सरेंडर करोगे तभी आपको चेंजेस दिखने को मिलेगा। आपका प्यार, आपका पर्सन आपके पास ही है, वो सेफ है। ऊपर वाला भगवान, आप जिनको भी मानते हो उनको सेफ रखे हैं। ठीक है, आप अपने नेगेटिव बिलीव से बाहर आइए। You are good enough. I feel like आपका पार्टनर आपको कहा, आपको ये क्या कहा है कि तुम अच्छे नहीं हो, तुम इतना खूबसूरत नहीं हो, ये नहीं हो, वो नहीं हो, तो वो चीज़ आपके अंदर बैठ गया है कि मैं अपने पार्टनर को ही अच्छा नहीं लगता, या वो पहले कहते थे लेकिन अब आपको बोल रहे हैं कि नहीं तुम इतना अच्छी नहीं हो, पहले जैसे थे अब बिल्कुल वैसे नहीं हो, ये वो। तो ये चीज़ आपको दिखने को मिल रहा है, लेकिन ये चीज़ सच नहीं है। ठीक है, ये आपका सेल्फ ग्रोथ का वक्त है। मुझे आई फील लाइक आपको ना बहुत ये चीज़ दिख रहा है, आपको बहुत एंजल्स नंबर दिख रहे हैं, आपको रीयूनियन बहुत दिख रहा है। आप जब भी इंस्टा स्क्रॉल कर रहे हो या कहीं पे भी जा रहे हो तो आपको बहुत ऐसे चीज़ें देखने को मिल रहा है। ठीक है, कि रीयूनियन होगा, यहाँ पे चेंजेस है। तो आपको कहा जा रहा है कि आप अकेले नहीं हो, सिर्फ हम जो देख रहे हैं अपने आसपास अपने ये ह्यूमन आईज से, सिर्फ वही हमारे आसपास नहीं होता है, एंजल गाइड्स है आपको आपके आसपास, तो उनके साथ कनेक्ट होने की कोशिश करें। सी, यहाँ पे एंजल गाइड्स है, आप अकेले नहीं हो। आपको लग रहा है कि मैं अकेला पड़ रहा हूँ, मुझे हर कोई छोड़ के जा रहा है, मेरा फैमिली मुझे छोड़ दिया है, एंड ऑल दैट, लेकिन आपका एंजल गाइड आपके साथ है, भगवान जी आपके साथ हैं। ओके, आप सेल्फ डाउट में बहुत ही जी रहे हो। आपको कहा जा रहा है कि सेल्फ डाउट से बाहर आए, सेल्फ डाउट से बाहर आए। ओके, तो चलिए देख लेते हैं हमारे ये गणेश जी के कार्ड से क्या आते हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू।
थैंक यू सो मच, थैंक यू। आप अपने आप को सवारी है, मेकअप करें, अपने बाल को ठीक से बांधे, अगर आप हेयर कलर यूज़ करना चाहते हैं तो करें, अपने आप को सजाइए। आपको ये दिया गया है भगवान की तरफ से, अपना बॉडी को सजाइए, सवारिए, प्यार करें, एक्सेप्ट करें। ओके, रिलेशनशिप, सी यहाँ पे इम्प्रूवमेंट है, सिचुएशन इम्प्रूवमेंट है यहाँ पे। रिलेशनशिप अपने साथ खुद का रिलेशनशिप पहले ठीक करें, दुनिया के साथ आपका रिलेशन ऐसे ही ठीक हो जाएगा। आप खुद के ऊपर डाउट करना स्टार्ट कर दिए हो, कहा जा रहा है आपको प्लीज़ पकड़ के मत रखो खुद को नेगेटिव सिचुएशन में, डोंट डू दैट। ट्रू लव, इस वीक में आपको ट्रू लव मिलेगा। योर होलनेस एंड सेफ्टी लाई विद इन, नॉट फ्रॉम योर पार्टनर। सी, योर होलनेस एंड सेफ्टी लाइज विद इन, नॉट फ्रॉम योर पार्टनर, बट दिस सॉवरिंग please actually leads to the deepest intimacy for you to stop using others। दूसरों के साथ मैंने कहा ना कि आप ज़्यादा सबको पूछ रहे हो कि कैसे होगा ये सिचुएशन इम्प्रूव, ये वो, आप बहुत रीडर्स के पास जा रहे हो, रीडिंग्स ले रहे हो, सब रीडर्स आपको यही कह रहा है कि यूनियन है यहाँ पे, चेंजेस है यहाँ पे, लेकिन आपको सेटिस्फैक्शन नहीं मिल रहा है। आपको कहा जा रहा है कि आप सरेंडर कर दो, ट्रू लव आपको आपके तरफ आ जाएगा, जस्ट छोड़ दीजिए, भगवान के ऊपर छोड़ दीजिए, बोल दीजिए कि आप देख लो अब मुझसे नहीं हो रहा, फिर देखोगे आप मैजिक। ठीक है, ये बहुत ही ब्यूटीफुल रिलेशनशिप है, ट्रू लव है। इस वीक में आप लोगों के लिए तो भर भर के सब कुछ दिया जा रहा है, चेंज है यहाँ पे। सी, यहाँ पे चेंजेस है, सिचुएशन यहाँ पे चेंजेस है, आपको ये चीज़ हर जगह दिख रही है, ये चेंज वर्ड, ये वर्ड आपको बहुत इधर उधर दिखने को मिल रहा है, बहुत ही बढ़िया। सेल्फ लव, ट्रू लव, रिलेशनशिप खुद के साथ, दिस इज सेल्फ लव। आप खुद के साथ ज्यादा वक्त बिताओ, ठीक है, यहाँ पे सेल्फ लव है। आप खुद के साथ प्यार करो, वही सबसे इम्पोर्टेंट चीज है, और आप सीख भी रहे हो कि खुद के साथ कैसे प्यार करना होता है। शो मी हाउ टू लव माई सेल्फ, मैंने पहले ही कहा ना कि आपको, आप सवारिए खुद को, सवारिए खुद को, निहारिए, एक्सेप्ट करें खुद को, वही सेल्फ लव का फर्स्ट स्टेप है। आप खुद को क्या समझती हो वही सेल्फ लव है। यू आर गुड एनफ, ठीक है, ओके। जो चलिए सॉरी, टैरो कार्ड से आप लोगों के लिए क्या गाइडेंस है हम लोग देख लेते हैं। थैंक यू सो मच। ये ट्रांसफॉर्मेशन वीक है, आई फील लाइक पाइल नंबर 3 ये ट्रांसफॉर्मेशन वीक है। आप अब तक बहुत ही रोना धोना आपका चालू था लास्ट कुछ मंथ्स में, लेकिन अब आपको चेंज देखने को मिल रहा है। ओके, द हर्मिट, द हर्मिट आया है आपके लिए। आपको कहा, ये सेल्फ लव है, ये हर्मिट की ऊर्जा, आप जब भी अपने साथ बैठोगे ना, आपके अंदर का जो लाइट है वो आपको देखने को मिलेगा, जो रोशनी देती है ये चीज, यहाँ पे जो लाइट है ना वो देखने की बहुत जरूरत है। ये लाइट हर किसी को नहीं मिलता है। आप बहुत लकी हो कि आपको सेल्फ लव के बारे में पता चल रहा है, दुनिया में इतने लोग हैं कि पता भी नहीं चलता किसी को। यहाँ पे 8 of Wands आया है, वाव, ये कम्प्लीशन है, ये आपका जो सिचुएशन है ना वो चेंज होता हुआ नजर आ रहा है। 8 of Wands डेफिनेटली यहाँ पे चेंजेस है। सेल्फ सैबोटेज, आप खुद को ही मार रहे हो, डोंट डू दैट, डोंट डू दैट, पहले ही बता रही हूँ। लोगों के ऊपर ज्यादा भरोसा मत करे, लोग क्या कह रहे हैं आपको, आपका सेल्फ डाउट आपको खाया जा रहा है। लोग बोल रहे हैं कि ये नहीं होगा तुमसे, ये नहीं होगा, ये नहीं, ये पर्सन तुम्हारे पास वापस नहीं आएगा एंड ऑल दैट, एंड आप वो सब बिलीव भी कर रहे हो। डोंट डू दैट, आप सेल्फ सैबोटेज क्यों कर रहे हो, खुद को ही क्यों मार रहे हो, डोंट डू दैट। यहाँ पे यूनियन है, 2 of Wands, यहाँ पे यूनियन है,
आपका पार्टनर आपसे दूर है, ये ट्रू है, ठीक है, यहाँ पे सेपरेशन मुझे दिख रही है या यहाँ पे सेपरेशन दिख रही है, तो आपको कहा जा रहा है अगर इस सेपरेशन का जो सिचुएशन है इसको आप चेंज करना है तो आपको सेल्फ लव के अंदर जाना ही होगा, ठीक है, आपको सेल्फ लव वो कॉन्सेप्ट में जाना ही होगा, उसको ठीक करने की ज़रूरत है। ओके, तो चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट आप लोगों के लाइफ में आपका पार्टनर, सॉरी नॉट लाइफ में, आपका पार्टनर आप लोगों के लिए क्या कहना चाह रहे हैं जो वो नहीं कह पा रहे हैं आपको, या आपको लग रहा है कि उनका जो ट्रू फीलिंग्स है आपके लिए एक्चुअली, ठीक है, क्या फीलिंग्स है आपका, वो कौन सा पार्ट है जो वो बहुत पसंद करते हैं। थैंक यू सो मच, आई लव दैट यू नो मी बाई हार्ट। जितना भी आपके आसपास दिख रहा है ना, तो आप उनको एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो, आप कह रहे हो कि नहीं मेरा दिल कहता है कि वो वापस आएगा, तो ये ट्रू है। आई लव योर बॉडी एवरी पार्ट ऑफ इट, आपका जो जेस्चर है, आपका जो बॉडी है वो बहुत उनको पसंद है, दे लव इट। ओके, आई लव दैट यू ऑलवेज हैव न्यू ओरिजिनल आइडियाज, आई फील लाइक आप बहुत क्रिएटिव पर्सन हो, ठीक है, आप फैशन में जा सकते हो, आप क्रिएटिव काम बहुत कर सकते हो, क्रिएटिविटी है आपके अंदर, अगर आप इंस्टा इन्फ्लुएंसर बनना चाहते हो तो वो भी आप बन सकते हो, ठीक है। आई लव योर ब्राइट स्माइल व्हेन यू लुक एट मी, बहुत ही डायरेक्ट मैसेजेस है, ये ट्रू वर्ड्स है, ये ट्रू मैसेजेस है आपके पार्टनर की तरफ से, ठीक है। यू इनकरेज मी टू बी द बेस्ट वर्जन ऑफ माई सेल्फ, आप अपने पार्टनर के करियर में भी बहुत हेल्प करते हो, न्यू आइडियाज देते हो उनको, बहुत ही ब्यूटीफुल। ये ट्रांसफॉर्मेशन वीक है, पहली बात तो आपको इस वीक में आपका ट्रू लव दिखने को मिलेगा, खुद के साथ कैसा प्यार करना होता है वो आपको जानने को मिलेगा, एकदम डायरेक्ट मैसेज आपको दिया गया है कि आपका पार्टनर, आपका जो प्यार है, आपका लव्ड वन बहुत सेफ है, आपको सिर्फ सेल्फ ग्रोथ करने की ज़रूरत है, और इस वीक में आप खुद को तोहफा दीजिए, खुद को, ये जो चॉकलेट डे है, टेडी डे है, ये डे है, वो डे, उस हर एक दिन में खुद को ही गिफ्ट करें, खुद से प्यार करवाइए, कोई दुनिया में आपसे प्यार नहीं कर सकता जब तक आप खुद को ना प्यार करवाएं, ठीक है, जब आप खुद को प्रायोरिटी देना सीख जाओगे, पूरी दुनिया आपको प्रायोरिटी देना स्टार्ट कर देगा, ये सच है। ओके, तो पाइल नंबर 3 आप लोगों का जो रीडिंग है वो मुझे बहुत पसंद आया, क्योंकि ये एक ट्रांसफॉर्मेशन रीडिंग है, एंड यहाँ पे मुझे बहुत ही ब्यूटीफुल फ्यूचर दिख रहा है। थैंक यू सो मच। यहाँ पे यूनियन तो डेफिनेटली है, यहाँ पे रिलेशनशिप है, यहाँ पे यूनियन है, यहाँ पे पार्टी है, यहाँ पे सेलिब्रेशन है। ओके, तो पाइल नंबर 3, अगर आपको ये रीडिंग अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। चलिए मिलते हैं कोई नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।